कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू मी चैनल। मैं हूँ आयशा असलम। मैं हूँ आदिया खान। तो जिस वीडियो प्रेडिक्शन देने वाले, उस वीडियो का नाम है टीवी सीरियल्स वर्सेस रियलिटी, गर्ल्स इन रियलिटी। मतलब यार, अच्छा तो लड़कियों को बदनाम किया हुआ इस वीडियो में कि लड़कियाँ रियल में कैसी होती है। यार हम तो ऐसे ही है, देखो। जो बात नहीं जी, झूठी मेकअप किया हुआ है, झूठी झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तू देख तो रही हूँ। चम 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 अठने की चालिया, अठने का पान, चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की पहली गली, उसमें रहता शौकत अली, शौकत अली को गोली लगी, सारी दुनिया रोने लगी। आगे रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंग, नहीं रोते रोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में ना ना नहीं। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने दिए बच्चे, अलमिया सच्चे 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 जाएंगे, भाई की दुल्हन लाएंगे, भाई की दुल्हन काली, 100 नखरों वाली, 1 नखरा टूट गया, भाई का मुंह सूज गया, भाई का मुंह सूज गया। उन्हें सब सच्चा वही था, वही बस पेट दुख रहा है, बस करो यार, क्या बदतमीजी है यार, क्या क्या कर रहे हो? नहीं, अगर मूंगफली से दाना नहीं करोगे। खैर यार, वीडियो स्टार्ट करेंगे टीवी टीवी सीरियल वर्सेस रियलिटी, गर्ल्स इन रियलिटी। तो खैर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ यार, गर्ल्स इन रियलिटी, रियलिटी में कैसे हैं? देवर लगता है। चाय पिला दे। पहले मैंने बोला ना, तो तू जाके बना के लेके आ। बढ़िया ही पहले बोलने वाली, पहले मैंने बोला था, जा चाय बना के ला। देखो मैंने रात को उठ के एसी बंद किया था ना, अब तुम्हारी बारी है। तो ठंड भी तो तुझे ही लग रही थी, जा बना कर ला चाय। टॉस कर लो। ठीक है। हेड या टेल? हेड। ऐसे मार करना था। जा बना के ला। गाय के 4 थन होते हैं, 4 बार टॉस होगा। ये क्या लॉजिक है यार? छोड़, अब बीवी से क्या ही लॉजिक की बात कर रहा हूँ। हेड या टेल? हेड। टेल। जा बना के ला। कैसे बनाऊं, चीनी नहीं है। हाँ तो चीनी क्या, चीन के बॉर्डर पर मिलती है, नीचे जा राशन की दुकान पे से ले आ। बेबी वो मैं क्या कह रही थी? क्या कह रहे थे? कि आज चाय आप बना दो। ठीक है अभी लाया बना। गर्ल्स इन टीवी। आज जैसे ही वो उठेंगे, मैं उन्हें अपने हाथों से चाय पिलाऊंगी। बचपन से जो मैंने अपना सपना देखा था, अपने पति को अपने हाथों से चाय पिलाने का, आज जाकर वो पूरा होगा। ये क्या, चीनी तो खत्म हो गई। वो लगा लगा। अगर आज मेरी चाय में मिठास की कमी रही तो हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ड्रामे में करते हैं ना ये। हे कन्हैया,
जी, आज आपने मेरा रिश्ता बचा लिया। क्या हुआ, बड़ा गुस्से में लग रही हो? मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ? मैं गुस्सा क्यों ना हूँ? मेरा पति किसी और लड़की की तारीफ करे और मैं देखती रहूँ? बेबी, आपने ही तो पूछा था कि उसकी ड्रेस कैसी लग रही है। अच्छी लग रही थी, मैंने बोल दिया। बेकार भी तो बोल सकते थे। वो सामने खड़ी थी, हर्ट हो जाती। हर्ट तो अब तुम होगे। अब करेगा किसी की तारीफ? गर्दन ही तोड़ दी। अब वो तेरी तारीफ करने के काबिल नहीं रहा। कपल्स फाइट। आज करवा चौथ है, मैंने उनके लिए व्रत रखा है। आज उन्हें मेरे प्यार का एहसास हो ही जाएगा। आप आ गए। मैंने कितनी बार बोला है मुझे टोका मत करो। कितनी बार आगे पीछे देखेगी? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, हमारी शादी हुई है। शादी नहीं हुई हमारी, धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं तुम्हारी बहन से शादी करने आया था और मंडप में तुम बैठ गई। हाँ, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है। आप दीदी से प्यार करते थे और दीदी रंजीत से, लेकिन रंजीत तो मुझसे प्यार करता था। और शादी वाले दिन ठाकुर ने रंजीत को उठा लिया और ये सुनकर दीदी भी मंडप से उठ गई। जब दीदी मंडप से उठ गई तो किसी को तो मंडप में बैठना ही था, तो मैं बैठ गई। लेकिन जब आपको पता चला कि मैं मंडप में बैठ गई हूँ और दीदी मंडप से उठ गई है, तो मैं भी आपके दिल से उठ गई, क्योंकि वहां तो दीदी पहले से ही बैठी हुई थी। बस यही सब हुआ है। मुझे कुछ नहीं क्या पता। हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वकील साहब, ये रहे डाइवोर्स के पेपर। इतनी जल्दी? तुम्हारी शादी के साथ ही बना दिए थे। मैं आपको तलाक नहीं दूंगी। अरे लेकिन मैं बिंदिया से प्यार करता हूँ। अर्जुन बाबू, मैं बिंदिया ही हूँ। क्या क्या क्या? हाँ, मेरी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है। बिंदिया। अरे बहू, शादी हुए दो दिन नहीं हुए तुम्हें और तुम किचन में आ गई। लेकिन मम्मी जी, मैं कुछ नहीं, तुम अभी काम नहीं करोगी। मम्मी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बताओ क्या खाओगी तुम? सब्जी बना दो तुम्हारे लिए। नहीं मम्मी जी। अच्छा, हलवा बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं रुको, पहले ना तुम्हें सुबह सुबह चाय बना के पिलाती हूँ, एक मिनट। अरे यही तो ढूंढ रही थी मैं। माचिस क्यों ढूंढ रही थी तुम? वो क्या है ना, मेरा लाइटर खराब हो गया है। बिना सिट्टे के मुझे प्रेशर नहीं आता। और हाँ, चाय मेरे कमरे में भिजवा देना। हे राम, ये कैसी मॉडर्न बहू ले आई मैं। टोपी बहू, आज तुम रसोड़े में अपना पहला कदम रखते हो। और हमारे घर का नियम है, जो भी बहू पहली बार रसोड़ा करती है वो पूरे खानदान के लिए खाना बनाती है। जी सासू माँ, क्या बनाना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, फाफड़ा नहीं ढोकला और थोड़ी जलेबी, एंड हलवा इज मस्ट, वो भी बिल्कुल मस्त। ठीक है सासू माँ। वो अभी अभी मेरी लिस्ट पूरी नहीं हुई। बटर नान, आलू गोभी, मटर पनीर, टमाटर, बटर नान, आलू नान, पनीर नान और खीर बिना दूध और चीनी वाली बाऊजी के लिए। सासू माँ, ये सब आप घर के लिए खाना बनवा रहे हो या आपने कोई भंडारे का ऑर्डर लिया है? दुकान लड़ाती हो? नहीं सासू माँ, मैं बनाती हूँ।
ये खीर मैं खास उनके लिए बना रही हूँ। मैं भी देखती हूँ तुम ये सब कैसे बना लेती हो। इस घर में सब सिर्फ मेरे खाने की तारीफ करेंगे। बहू जरा देखो सब जाग गए क्या? जी सासू माँ अभी देखती हूँ। अब मैं इस खीर में नमक मिला दूंगी और इसे खा के मेरा बेटा तुझसे नफरत करने लगेगा। अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी है। तुम्हारे हाथों में जादू है जादू। मुझे पता था सासू माँ आप मेरी खीर में नमक जरूर मिलाएंगी, इसलिए मैंने नमक के डब्बे में पहले ही बूरा डाल दिया था। बूरा? टोपी बहू हमारे घर में तो बूरा है ही नहीं। झूठ मत बोलिए सासू माँ, फिर उस डब्बे में क्या है? टोपी बहू उस डब्बे में बूरा नहीं चूहे मारने वाली दवाई थी। क्या? अरे यार लेट हो गई इंटरव्यू के लिए। अरे देख के नहीं चल सकती क्या? मैं साले एक तो तूने मुझे टक्कर मार दी ऊपर से उल्टा बोलता है। अरे आप बिना देखे चल रही थी। मैं बिना देख के चल रही थी तो तू देख के चल लेता। अरे मैं तो देख के ही चल रहा था। मतलब तू मुझसे जान कर टकरा है? रुक अभी बताती हूँ तुझे। गाइस देखो अभी मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी और ये लड़का मुझसे जान कर टकरा है। देखो मुझे कितनी चोट लगी है यहाँ पे। अरे इसकी ऐसी तैसी ये तो चुई वाली औरत निकली। हेलो वही है क्या? बिजली गिरा दे मैं हूँ आई। एक्सक्यूज मी टीवी पे हवा हवाई बिजली गिरा दे। कोई है ये आवाज? गिर भी जा। हाँ टीवी की बात बता रही हूँ, टीवी में तो ऐसे ही होता है। लग रहे हो तुम भी। मेरे को लग रहा है तुमसे कोई पुराना रिश्ता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। स्वीटी 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 लगता है तुम्हें कोई आवाज दे रहा है। हाँ लगता है मेरे हस्बैंड होंगे। हस्बैंड 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 तो मुझसे क्यों रिश्ता जोड़ रही हो तुम?
हमारा रिश्ता तो ऊपर वाले ने जोड़ा है, बस एक बात नहीं बताई। क्या? यही ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या ये? किड्स इन रियल। चलो जल्दी से अपना होमवर्क कर लो। इस ड्रेस में प्यारी है। मम्मी भूख लग रही है। हाँ, पढ़ाई के टाइम ही तुम्हें भूख लगती है ना? मम्मी एक काम करो, पापा से कुछ बनवाने को बोल दो। तुम्हारे पापा से बातें बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। करो अपना होमवर्क। क्या सिखा रही है मेरे बेटे को? हाँ, तुम्हारा ही बेटा है ना, अकेले पैदा किया था तुमने? नहीं, तुमने अकेले ही पैदा किया होगा। अरे भूख लग रही है। तुम्हारा बेटा है ना, जाओ कुछ बनाकर खिलाओ इसे। अरे भूख लग रही है। मुझे ही करने हैं तो तुम क्यों हो इस घर में? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी और अपने बेटे को भी ले जाऊंगी। चल बेटा, मम्मी तुझे चॉकलेट खिलाएंगी। ओके मम्मी। नहीं बेटा, तू यही रह, पापा तुझे चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों दिलाएंगे। मैं पापा के साथ जाऊंगा। बेटा, मम्मा आपको रोज घुमाने लेके जाएंगी और स्विमिंग पूल भी लेके जाएंगी। मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। बेटा, पापा घर में ही स्विमिंग पूल बना देंगे और तेरे दोस्तों को भी बुलाएंगे रोज। ओके, मैं पापा के साथ रहूंगा। अरे स्वीटी, तू रो मत, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। हाँ, लेकिन रुला जरूर सकते हो। सॉरी यार। अच्छा सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैं भी सॉरी। अरे जब सिलाई करनी थी तो मुझे सपना क्यों दिखाए? अरे यार, नुकसान हो गया। कितना तेज बच्चा है। मैंने देखा था तुम्हें उस लड़की के साथ। किस लड़की के साथ देखा था? मैंने देखा था, वो लड़की थी ना पीले रंग का, उसने सूट पहन रखा था, उसके साथ। तुम लड़के के साथ घूमती हो? मैं नहीं घूमता। कौन सी लड़की के साथ घूम रही थी? अरे जाओ ना, झूठ मत बोलो। मैं एक पल भी नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। क्या क्या क्या? से मम्मी से डा से डैडी से मिलवा रही हूँ। सोच रही सोच सोच रही। हाँ बच्चे, ये कर दिया। ऋतु 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 मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। पापा मैं ठीक हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। क्या 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 हुआ? अरे हमने रिद्धू का टेस्ट कराया था और इसके लंग में ब्रेन ट्यूमर आया है। क्या? मैं नाटक कर रहा हूँ। इसका मतलब रिद्धू के पास कुछ ही समय है। अरे मैं ब्रेन ट्यूमर है, होना ही होगा। हे माता रानी, मेरे रिद्धू को ठीक कर दे जल्दी से। पूछना मत, पूछना मत प्लीज। बाय बाय रिद्धू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ, तू ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कौन बोलता है? कोरोना ना हो जाए आपको। मैं तेरे घर पर दिया जला रही हूँ, ऐसे मेरा चिराग नहीं बुझ सकता। Hey guys,
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे अपना फेवरेट पार्ट बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना संझाली का ब्लॉग। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। संझारिका व्लॉग, ओके ओके ओके, आई थिंक इसका नाम संझारिका है। हाँ तो कैसी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा था? रियलिटी ठीक थी, आपके अच्छा था बोले तो वो तो वैसा भी नहीं बोला था। टीवी सीन मतलब अगले दिन तक छोड़ देते, उससे अगले दिन तक मतलब इतने पहले देखती थी ना मैं, मुझे पता है। ये बाकी जो क्या कहते हैं रियलिटी जो होता है वो ओके होता है, जो बात है जो बात है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। यार मैं ये देख रही थी, ये देखो ये पंखे जैसे बड़े राजा महाराजाओं के टाइम में नहीं होते थे, पंखे की शेप में आ रहा है यहाँ से, अगर इसकी नोक निकली होती तो। अच्छा तो गाइस चलते हैं, बाय बाय बाय।